दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मुकेश लाल कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज है 10 अगस्त 2018 और हम आपके लिए लेकर आए हैं जो पहला शिफ्ट में 10 अगस्त को रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ है उसका कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। कल देखिए दो क्वेश्चंस जो पार्ट में हम बनाए हुए थे उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो रियो दी जेनेरियो जो सिटी था वो ब्राज़ील में था, रशिया में नहीं था। उसके लिए आपसे हम सॉरी चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे। उसको हम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम उसको क्लियरिटी कर दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं कि वहाँ पर आप रियो दी जेनेरियो जो है वो ब्राज़ील कर लीजिएगा, वहाँ पर रशिया नहीं होगा आंसर। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर पहला से। आज से देखिए आज का सवाल भी बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले तो आपका ड्यूटी ये बनता है कि इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको रेगुलर, कल भी आप देख सकते हैं कि रेगुलर हम आपको 4 वीडियो दिए हुए हैं पूरे शिफ्ट 1, 2, 3 और 4 का, यानी टोटल शिफ्ट 3 तक का दिए हैं, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। देखिए पहला सवाल कह रहा है कि प्रोटीन किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो अगर प्रोटीन क्या चीज़ का बना हुआ होता है इसका आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। दूसरा सवाल कह रहा है कि हीलियम के बाह्य सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 2 है, और जब एटॉमिक नंबर 2 है इसलिए इसके बाहरी सेलों पर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो निकालने का, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की बात करते हैं, तो देखिए KlMnO ये पूरे सेल होते हैं, जिसमें पहला में हम लोग अगर बात करेंगे उसका फॉर्मूला 2n² होता है, n की जगह पे हम लोग को रखना पड़ता है, यानी k के लिए अगर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2। ऑपरेटर जो l में होता है उसमें हो जाता है 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और 4 × 2 = 8, ये 8 हो जाता है। उसी प्रकार से m में 18, n में 32 और o में 50 होते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आगे बढ़ते रहते हैं, यानी पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, उसके बाद 8, उसके बाद 18, आफ्टर दैट 32, उसके बाद 50। तीसरा सवाल कह रहा है देखिए एक मलेरिया के ऊपर एक क्वेश्चन था, इसमें आपको एक मलेरिया से सवाल था, ठीक है, एक मलेरिया से इसमें एक सवाल था। तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि मलेरिया के ऊपर देखिए एक बेस्ट क्वेश्चन था और इसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसमें परजीवी पूछा हुआ था, तो मलेरिया का जो परजीवी होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। आपको पता होना चाहिए कि इसमें मादा, जो मलेरिया की जो मच्छर होती है वो मादा है, उसको काटने से मलेरिया फैलता है, उसका नाम है याद रखिएगा प्लाज्मोडियम। चौथा सवाल देखिए, कल हम इसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेन करके बताए थे और आज ये सवाल आ गया है। हालांकि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे मेरे क्लासरूम के नोट से आ रहे हैं, साइंस का तो A to Z में क्लासरूम के नोट से आ रहे हैं, से साथ साथ करेंट अफेयर के भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे क्लासरूम के नोट से ही आ रहे हैं। चौथा सवाल कह रहे हैं कि बल का SI मात्रक क्या होता है, तो बल का SI मात्रक, SI यूनिट में बात करेंगे तो न्यूटन होता है और सीजस में डाइन होता है। न्यूटन में हमने आपको कल बताया था कि F = ma होता है, मास * एक्सीलरेशन, मास बोले तो kg और एक्सीलरेशन बोले तो m/s². यहाँ पे अगर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 होगा, इसका अगर बीमा की बात करेंगे तो MLT-2 हो जाएगा। और पांचवा सवाल कह रहा है कि सूरज में ऊर्जा कैसे बनती है, तो ये बनता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, FUSSION, फ्यूजन, फ्यूजन से इसको कन्फ्यूज मत कीजिएगा। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का बिल्कुल कॉम्बिनेशन चलता है, उसके द्वारा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है सूरज के कोर में, सन के कोर में। छठा सवाल देखिए, एगो फूल के ऊपर एगो बेस्ट क्वेश्चन था, अब ये क्या था एग्जैक्ट बच्चे नहीं बता पाए हैं, तो ये ऑप्शनलाइज क्वेश्चन था, इसको आप देख लीजिएगा, अगर बाद में मिलता है तो हम आपको बता देंगे। सातवां सवाल है कि RBC रेड ब्लड सेल की मृत्यु कहाँ होती है, कल का सवाल था उसका मृत्यु का कार्यकाल पूछा था, जीवन कार्यकाल जो कि 100 से 120 दिन था, आज पूछा है कि उसका मृत्यु होता कहाँ पे है, तो उसका मृत्यु जो होता है वो प्लीहा में होता है, प्लीहा को तिल्ली के नाम से भी जानते हैं, इन इंग्लिश उसको स्प्लीन कहते हैं, SPLWN स्प्लीन। और आठवां सवाल है ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, बिल्कुल ये जाना पहचाना क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर ने इनका खोज किया था। आपको लगे हाथ ये भी बता दें कि ब्लड ग्रुप पूरे प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से A, B, AB और O, जिसमें से O जो होता है सर्वदाता कहलाता है, यानी सभी ग्रुप को यह दे सकता है, जबकि AB को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी कि सभी ग्रुप से ये ब्लड को ले सकता है, यानी डोनर हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा ये ब्लड ग्रुप O। हो सकता है नेक्स्ट सीट में आपका ये O या AB वाला आपका आ जाए क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नौवां सवाल रक्त से ही रिलेटेड है, रक्त का थक्का किसके वजह से जमता है, तो ये जमता है विटामिन के वजह से। एक बार फिर से हम विकास सर, डॉक्टर विकास सर को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर आप जो भी
क्वेश्चन करवाए हैं वो सारा का सारा एग्जाम में आ रहा है। बच्चे काफी एक्साइटेड हैं, काफी खुश हैं। आइए दसवां सवाल देख रहे हैं। कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। कल हमने आपको बताया था, कल डी पूछा, ई पूछा, आज सी पूछा, नेक्स्ट टाइम बी पूछ सकता है। तो आप पूरा का पूरा जो केमिकल नेम है, जो भी विटामिन का, पूरा का पूरा आप रट के ही जाइएगा। 11 सवाल कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तांबे का परमाणु संख्या, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो ये 29 होता है कॉपर का एटॉमिक नंबर। 13 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल बच्चे करके आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सेल्सियस और फारेनहाइट किस टेम्परेचर पर समान होते हैं? ये होता है माइनस जरूर याद रखें, सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों जो होते हैं इक्वल होते हैं माइनस 40 डिग्री पर। 14 सवाल कह रहा है कि संवेग मोमेंटम का इकाई क्या है? कल मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा था, जो कि बल था उसका आंसर। आज पूछ रहा है इसका यूनिट, एम भी आपको बताए थे कल, मास इंटू वेलोसिटी। मास बोले तो केजी और वेलोसिटी बोले तो मीटर पर सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। और अगर इसका हम बीमा की बात करेंगे तो MLT-1, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड नीचे में केवल एक है, एक ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक सवाल ओम के नियम से रिलेटेड था, आपको बता दें कि ओम जो होता है वो वोल्टेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे वो कांस्टेंट जोड़ते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आर है, जिसको हम लोग प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कहते हैं। आई बोले तो करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, भी बोले तो वोल्टेज, यानी वोल्टेज जो होता है वो करेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसी को ओम का नियम कहा जाता है। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो V=IR हो जाएगा। अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ये कल का रिपीटेड सवाल है, कल भी ये आया था, आज भी आया है, मतलब समझ सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड भी हो रहा है। इसका सही जवाब होगा सोडियम, Na, सोडियम। मरुस्थल में रात ज्यादा ठंडी होती है दिन की अपेक्षा, ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए माय डियर, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, और मेरा नाम है मुकेश लाल, एक कोचिंग चलाते हैं मुकेश लाल कोचिंग क्लासेस। आप इस चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बिल्कुल डीपली रूप से सारा चीज़ बताने वाले हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो बेस्ट था वो था पीएच वैल्यू पर। आपको बता दें ये तीनों जो रेड कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है, पिंक कलर से, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उदासीन जल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, क्षारीय जल का जो पीएच वैल्यू होता है 7 से अधिक होता है, ग्रेटर देन 7, और जो एसिडिक होता है, जो अम्लीय होते हैं, वो होते हैं 7 से कम, लेस देन कम। इसके अलावा दूध का आपसे पूछ सकता है, जिसका वैल्यू 6.4 से 6.6 तक होता है, सिरके का 2.4 से 3.4 तक होता है, मानव का जो ब्लड है उसका 7.4 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त याद ही कर लीजिएगा। नींबू 2.2 से 2.4 होता है, समुद्री जल का 8.5 होता है, ये खारा होता है, मनुष्य के लार का 6.5 से 7.5 तक होता है, और जो यूरिन होता है ह्यूमन का उसका 4.8 से 8.4 तक होता है, शराब का 2.8 से 3.8 होता है। देखिए इसको आप बिल्कुल अच्छी प्रकार से रट लीजिएगा, पूरा का पूरा नेक्स्ट पेपर में ये आपका आ सकता है। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है माय डियर कि नाटो के बारे में एक सवाल आया हुआ था, तो ये क्या था? एग्जैक्ट बच्चे नहीं बता पाए तो हम आपको बता दें कि नाटो की जो स्थापना हुई थी ये 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, 4 अप्रैल 1949 में। इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, जो कि ब्राजील की राजधानी है ब्रुसेल्स। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो कह रहा है माय डियर, वो सवाल कह रहा है कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं, यानी कि एक ग्राहम बेल इसका आंसर हो जाएगा। और स्पाइस जेट के मालिक कौन है? इसके मालिक जो है वो है अजय सिंह, जो कि 2004 में इसको खरीदे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अजय सिंह। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है हमारा कह रहा है, एक सवाल और है इस सेट में कि ओलंपिक 2016 के ध्वजवाहक कौन थे? तो ओलंपिक 2016 के ध्वजवाहक आपको पता होना चाहिए अभिनव बिंद्रा थे, और जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम था उसके पीवी सिंधु थे। ये कल के जो वीडियो का जो पार्ट नंबर 4 है, तो पार्ट नंबर 4 में इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं कि पदक में कौन पहला प्राप्त किया है, कौन दूसरा प्राप्त किया है।
चलिए माय डियर, आज का सेशन यही रहने देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप अच्छे, बहुत अच्छे रिस्पांस कर रहे हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। कट ऑफ के लिए आप परेशान ना होए, जो ही मुझे कुछ और भी उम्मीद होता है हम आपको कट ऑफ बना के आपको जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जिनका भी आने वाला टाइम पे पेपर है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ मेरी ओर से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।